हे गाइज, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज के इस वीडियो में गाइज हम बात करेंगे कि जो है आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है सो आप डाटा यूज करते हो। बिना डाटा यूज किए आजकल कोई भी पर्सन नहीं रह सकता, और उसको जो है डाटा यूज करने के साथ साथ ये भी जानकारी रखना जरूरी है और रहना चाहिए कि आप जो है कितना डाटा यूज कर लिए और आपके सिम में कितना डाटा डेली का बचा है। सो आज के वीडियो में हम लोग यही बात करने वाले हैं। सो चलिए गाइज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको, जैसे कि आपने थंबनेल में देखा, यहाँ पर डाटा यूजेज मतलब डाटा इन्फॉर्मेशन आप कैसे सेट कर सकते हो, इसको सेटिंग्स से अप्लाई करना पड़ता है। सो उसके लिए गाइज हमें चलना पड़ेगा सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जैसे ही आ जाएंगे गाइज हम लोग, तो यहाँ पर गाइज आपको एक ऑप्शन दिखेगा। सो एक मिनट, यहाँ पर आपको दिखेगा नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। ये मेरा वीवो का फ़ोन है, हर एक फ़ोन में अलग अलग सेटिंग और अलग अलग ऑप्शन रहते हैं। तो यू कैन फाइंड आई थिंक योर फ़ोन में, आप जो है अपने फ़ोन में आप ढूंढ सकते हो। सो यहाँ पर नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार पे क्लिक करना है। देन गाइज यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, अभी आप देख रहे हो मैं ये ओपन करूँगा, यहाँ से स्क्रॉल डाउन करूँगा तो यहाँ पर डाटा इन्फॉर्मेशन कुछ भी नहीं दे रहा है कि डेली का डाटा यूज मैंने कितना किया। लेकिन यहाँ पर शो डाटा इन्फॉर्मेशन पर जैसे मैं क्लिक करूँगा, सो यहाँ पर दो ऑप्शन है। तो इनेबल नेटवर्क पर करेंगे तो एक सिम का चालू होगा जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। बट अगर इसको फिर से क्लिक करके आप डुअल सिम पे करेंगे, तो अगर आपके फ़ोन में दो सिम है तो दोनों का यहाँ पर जैसे जैसे आप यूज करेंगे उसी हिसाब से ये बताएगा। तो आज मैंने जो है सिम वन से 500+ MB डाटा यूज कर लिया, और मतलब 1.5 GB देता है, तो इसमें से 1 GB अभी भी अवेलेबल है। सो इसी तरह से गाइज जो है आप अपने किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन का डाटा इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो नोटिफिकेशन में। थैंक यू सो मच।